जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में देर रात जहां कक्षा 7 में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में खड़े दो युवकों ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर दी। जब छात्रा ने इसका विरोध किया और आपबीती अपने घर जाकर परिजनों को सुनाई तो छात्रा के परिजन शिकायत लेकर छेड़छाड़ करने वाले युवक के घर पर पहुंच गए। तभी कुछ देर बाद ही दबंगों ने छात्रा के परिजनों के घर में घुसकर जमकर की जबरदस्त मार पिटाई व जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर और धारदार हथियार सहित लोहे की रॉड से हमला कर दिया। तो वही कक्षा 7 में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के परिवार की महिलाओं सहित आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार द्वारा कोतवाली में ही तहरीर के आधार पर पुलिस जाँच कर रही है। तो वही बाबूगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह ने बताया कि अभी 10 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ सहित अन्य कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। मैं प्रसाद बांटने गई थी, दो लड़के मुझे छेड़ने लगे, एक बबलू और एक रिंकू मुझे छेड़ने लगे और मुझे कह रहे थे मेरे साथ चल, मुझे खींच के लेके जा रहे थे। मैंने अपनी अम्मा से कह दी और फिर सारे के सारे चढ़ के हमारे यहाँ पे आ गए। हमारे मम्मी पापा को सबको मार गए, सरिया से, कमची से, डंडे से, सब बजा गए हमारे यहाँ। रात हमारी मेरी भतीजी ना प्रसाद देने गई थी, बबलू और रिंकू ने मेरी भतीजी का हाथ पकड़ लिया छेड़खानी की उसके साथ। तो उसने आके घर बताया, रो रही थी कि चाचा ऐसा ऐसा बात होगी। तो मैं और मेरी मम्मी उनके घर गए, धर्मपाल और ऋषि के घर, कि ऐसे ऐसे तुम्हारे लड़के हमारी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे। तो वे कह लगे ना तुम, और हमारे पे उल्टे आए कि हाँ हमारे लड़के तो ऐसे नहीं है, और हमारे साथ गाली गुफ्तार करने लगे, वो डंडे ईंट पत्थर फेंकने लगे। तो हम घर भक्के, मैं अपने भैया को, पापा को, मम्मी को सब मैंने अपने अंदर घर में बंद कर लिए और घर की कुंडी लगा ली हमने। कुंडी लगाने के बाद हम छत पे चले गए, मैं 100 नंबर पर कॉल कर रहा था, 100 नंबर का नंबर नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने हमारे लात मार मार के कुंडी तोड़ दी, गेट तोड़ दी। पोते को खींच रहे दो लड़के, रिंकू पबलू, और मेरी पोती ने मुझसे कही आ गए, मैंने कही कोई बात नहीं दिवाली आ चुप लगाओ। मेरे बच्चे ने एक दुलौंडा मेरा चला गया, आते ही सरिया लेकर अंदर पूरे घर में गेट तोड़ कर पड़ गए घोटे में ऊपर छत पर। ऊपर जाकर देख लो, अब भी इंक्वायरी कर लो।